निर्मल शर्मा बड़ोड़ा तरसाली से। प्रॉब्लम चक्कर की थी और चक्कर जो है एक तो गैस ऊपर चढ़ने की वजह से आते थे, दूसरे अगर कोई हॉर्न का साउंड सुन लो या फिर डीजे की आवाज़ सुन लो उससे मुझे तुरंत चक्कर शुरू हो जाते। ये 2012 से फ्रिक्वेंटली बढ़ गया था। शुरुआत की लक्षण जो थे वो 2007 में आए थे और 2012 के बाद भी एक एक छः महीने के गैप से होता था, लेकिन 2017 में ये कुछ जल्दी होने लगी, 6 महीने के गैप। इसमें एक्चुअली आसपास के जो घर के पास के डॉक्टर थे उनके पास दौड़ के जाके फिर ये बॉटल चढ़ा के गैस को रिड्यूस करके चक्कर को रिड्यूस करना, इंजेक्शन वगैरह लगवा के, और फिर कभी वहाँ से दूर गोत्री का हॉस्पिटल कुछ वो 20 किलोमीटर है वहाँ जाना, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो है, और कभी बात हो जाती थी कि भाई आप किसी न्यूरोलॉजी वाले को उनको दिखा दीजिए, कभी बात ऐसी हो जाती थी कि सजेशन आ जाता था कि किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाइए, तो इनके फिर बात आ जाती थी कि भाई उसमें वो MRI करेंगे एंडोस्कोपी में, जो मैं करवाना बिल्कुल नहीं चाहता था, आई एम टोटली अगेंस्ट MRI, तो मेरे को वो पसंद ही नहीं है, ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी है वो, तो उसमें आदमी अंदर जाने के बाद में और घबराहट महसूस करता है। तो एक मुझे बायोलॉजी पढ़ने के कारण एक चीज़ पता चली कि जब मैंने डॉक्टर प्रवीण सुराना जी का वीडियो ऑटोरिक्शा पे ऐड देखी, फिर मैंने यूट्यूब पे उनका देखना शुरू किया और उसमें मुझे ये पता चला कि नहीं, इनकी यहाँ की विशेष अप्रोच है और वो इन चीज़ों से दूर, जो इन चीज़ों से एक हटकर इलाज है जो कि ऑपरेशन नहीं है और उसमें MRI नहीं है, उसमें एंडोस्कोपी नहीं है। तो मैंने कहा इन सब ट्रबल झंझट और एलोपैथी की जो केमिकल अंदर मेरे जाएगा उससे मैं दूर रहूँगा, और वैसे भी मैंने पेन किलर बहुत पहले खा चुकी थी इसलिए मैं नहीं चाहता था कि और मेरे अंदर पेन किलर जाए। तो मैंने फिर एक दिन पहले यहाँ पर मैं आया हूँ, आज है तारीख 30, साल का सेकंड लास्ट दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम सेकंड क्या लास्ट हो जाए। और इसमें एक दिन पहले का वीडियो जो आया उसमें सर तो बता ही रहे थे कि उनका जो ध्येय, मुझे वो बहुत बड़ा सुन के अच्छा लगा इंडिया न्यूज़ के चैनल पे, कि वो उस जमाने की बात करते हैं जब लोगों को ये तकलीफ थी और ये सुविधाएं नहीं थी, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा इलाज अगर हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी एक चीज़ होती कि एक संस्था जो बात कर रही होती है, दावे कर रही होती है, तो सर खुद बोलते कि नहीं ऐसे बोलने से उनको अच्छा है कि थोड़ा सा ऐसा बोलेगा कि इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन क्या है कि उससे ये कॉन्फिडेंस स्टाफ के अंदर भी बिल्डअप तभी होता है जब पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने भी देख लिया है, तो मुझे और डबल कॉन्फिडेंस आ गया। और मुझे सर का इधर आने के बाद में कि मेरे दिमाग में प्रश्न था जो मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया था कि जो लिम्फ पैदा होता है इंटेस्टाइन में क्या वो कान की तरफ जाता है, जैसे उन्होंने यस बोला मैंने उनकी बैच छोड़ी, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में ये पढ़ चुका था पेपर कि लिम्फ पेट में बनता है और वो कान की तरफ जाता है, कि इसका उत्तर मुझे किसी से नहीं मिला था और वो जवाब यहाँ आया तो मुझे लगा मैं सही जगह आ गया हूँ और ये ट्रीटमेंट सही है। उनके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि इधर आने से के ट्रीटमेंट के बारे में एक संशय जो होता है दिमाग में, क्या कि मैं वहाँ जाऊँगा तो पहुँचूँगा कैसे, वहाँ पे क्या व्यवस्था होगी, वो हॉस्पिटल होगा तो हॉस्पिटल में मुझे कोई एडमिट कर दिया जाएगा, सर्जरी होगी, MRI होगी, ये सब दिमाग से, एंडोस्कोपी होगी, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, ये घर है वहाँ पर आके एक घर की तरह होमली फीलिंग है, बेड लगे हुए हैं और उसके अंदर एक सारे आसपास का स्टाफ परिवार की तरह सेवा में लगा होता है और आसपास के पेशेंट भी घुल मिल जाते हैं परिवार की तरह, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कहीं हॉस्पिटल में आए हैं। और इन बड़े हॉस्पिटलों की बजाय हम अगर ऐसे घर जैसे परिवार में आके अगर इस तरह की ट्रीटमेंट ले
तो उससे बड़ा स्वर्ग शायद मैंने भी आज तक सोचा भी नहीं और देखा भी नहीं था। जी बहुत अच्छा लगा। नसीब सुख जाने से आए हुए खान के तमाम प्रकार के बहरेपन को अब बिना मशीन बिना ऑपरेशन की सुनवाने की क्षमताओं को बढ़ाने के स्पेशल शिविर कर्ण दोष निवारण केंद्र में लगाए जा रहे हैं। कम सुनने वाले न सुनने वाले और जन्म के बहरे मुंह सभी के लिए वरदान रूप सिद्ध हुई है।